गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल। इस वीडियो का आइडिया मुझे एक मेरे सब्सक्राइबर से मिला था जो कि जापान जॉब के लिए जा रहे थे एंड ही वाज आस्किंग अबाउट कि वहाँ पे उनको कितना एक्सपेंस मैनेज करके चलना पड़ेगा अगर उनकी ये सैलरी है सो इस सैलरी में वो वहाँ पे मैनेज कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। सो इसी से मुझे आइडिया आया क्यों ना मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ जापान में अगर आप विजिट कर रहे हैं एज अ टूरिस्ट या फिर लॉन्ग टर्म के लिए तो आप वहाँ पे कैसे अपने एक्सपेंसेस को मैनेज कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं बहुत सारे टिप्स शेयर करने वाली हूँ। प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी पॉइंट आप लोग मिस ना कर पाएँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट पॉइंट, सो अभी देखो अगर हम किसी भी कंट्री को विजिट करते हैं सो जब हम अपनी आइटिनरी प्लान करते हैं उस कंट्री को लेके सो सबसे पहले हम सोचते हैं कि हम एक जगह से जब दूसरी जगह ट्रेवल करेंगे बाय ट्रेन करेंगे या बस करेंगे तो जापान में ना जो ट्रेवलिंग की कॉस्ट है वो सबसे ज़्यादा रहती है। अगर हम किसी भी प्लेस तो जापान में सबसे ज़्यादा महंगा वही रहता है हमारे लिए। सो अगर आपको उसको सेव करना है सो प्लान कीजिए कि आप जुहाची वाले टाइम में वहाँ पे विजिट करो। जुहाची क्या होती है वहाँ पे? जुहाची वहाँ पे साल में 3 बारी मिलने वाली एक गवर्नमेंट साइट से ऑफ़र है जिसमें कि वो एक टिकट देते हैं विच इज़ अराउंड 12,500 येन जो 5 डेज़ का पास रहता है और उसमें आप पूरे जापान में नेशनल वाइड कहीं पे भी ट्रेवल कर सकते हो। वो आपको 1 टाइम परचेज करना है और फिर आप 5 डेज़ तक अनलिमिटेड कितनी बार भी ट्रेन फैसिलिटी को यूज़ कर सकते हो। सो इसमें इनका क्या रहता है, जैसे समर विंटर और स्प्रिंग 3 सीजन्स में आपको जुहाची की टिकट्स अवेलेबल रहती है। सो एंड इसमें क्या होता है जब भी हम कहीं पे ट्रैवल करते हैं ना तो वो स्टैंप लगा देते हैं। जैसे मान लो एक दिन का यूज़ हो गया फिर सेकेंड डे का यूज़ हो गया। और जुहाची के रिगार्डिंग अब आपको कुछ पॉइंट्स ट्रिक्स बताने वाली हूँ कि जैसे सपोज अगर आपने अगर आप इस जुहाची को यूज़ करोगे ना तो आपका बहुत सारा एक्सपेंस बच जाएगा, ट्रैवलिंग की जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। सेकेंडली अगर इसमें एक और अच्छा फ़ायदा रहता है, जैसे सपोज हमारी आइटिनरी 3 दिन की थी लेकिन टिकट तो हमें 5 डेज की मिलेगी सो आप क्या कर सकते हो अपने ट्रिप से वापस आने के बाद उसको रिटर्न भी कर सकते हो तो आपके पैसे रिम्बर्स हो जाते हैं। कुछ उनका अमाउंट होता है वो आपको रिम्बर्स कर देते हैं और उसमें भी जितनी जल्दी आप लोग रिम्बर्स करवाने जाओगे उतना ज़्यादा अमाउंट आपको मिलेगा। जैसे अगर आप 5 दिन के बाद गए 6 दिन के बाद गए तो अमाउंट कम होता जाएगा। सेकेंड पॉइंट, जुहाची के रिगार्डिंग सब जुहाची की टिकट मिलती किधर है? जुहाची की टिकट आपको रेलवे स्टेशन के अंदर भी मिलती है और बाहर भी शॉप्स होती हैं वहाँ भी मिलती है। अब ट्रिक यहाँ आती है कि ट्राई टू परचेज दीज टिकट्स फ्रॉम आउटसाइड द रेलवे स्टेशन क्योंकि बाहर आपको 500 या 1,000 येन सस्ती पड़ती है, किसी को भी नहीं पता होगा बट बाहर से आपको ये टिकट सस्ती मिलती हैं एज़ कम्पेयर टू द रेलवे स्टेशन। सो अगर आपको बाहर ही शॉप्स मिल रही हैं सो प्लीज़ वहीं से ही आप इनको परचेज़ कीजिएगा। एंड ये टिकट्स थोड़ी जल्दी परचेज़ करनी पड़ती हैं बिकॉज मोस्टली ये ख़त्म हो जाती हैं। सो आप प्लीज़ कोशिश कीजिएगा कि जुहाची स्टार्ट होने से पहले ही आप ये अपनी टिकट्स परचेज़ कर लीजिए। सो मूविंग टू आवर सेकंड पॉइंट, अब जब हमने ट्रेवलिंग का देख लिया कि एक जगह से दूसरी जगह हम कैसे अपने कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं, जुहाची के टाइम पे होटल एकोमोडेशन भी बहुत ज़्यादा महंगी हो जाती है क्योंकि वो एक पीक सीज़न है वहाँ पे। सो उसमें आप लोग अपने कैसे पैसे बचा सकते हैं? सो उसके लिए पहले हमें समझना पड़ेगा कि जापान में किस किस तरह के एकोमोडेशन हमें अवेलेबल होती हैं वहाँ पे। एक तो कैप्सूल्स रहते हैं, सेकेंड होटल्स एंड द थर्ड इज़ अपार्टमेंट्स। कैप्सूल्स बेसिकली क्या होती है, वो एक बहुत बड़ा एरिया रहता है उसमें उन्होंने छोटे छोटे से बेड डाले हुए होते हैं, कॉमन टॉयलेट्स एंड बाथरूम्स रहते हैं वहाँ पे, विच आर द बेस्ट ऑप्शन अगर आप इंडिविजुअल ट्रेवल कर रहे हो या आपके साथ बच्चे नहीं हैं तो वो सबसे ज़्यादा अच्छी फ्रेंडली और चीप ऑप्शन है आप लोगों के लिए। सेकेंड है होटल्स। होटल्स तो हम सब अवेयर हैं कि होटल्स से तो हम सभी अवेयर हैं। एंड थर्ड ऑप्शन इज अपार्टमेंट्स। अपार्टमेंट्स आप आई थिंक पर्सनली अगर मैं बताऊँ तो सबसे ज़्यादा फ्रेंडली ऑप्शन है अगर आप विद फैमिली ट्रेवल कर रहे हो, बच्चे हैं अगर आपके साथ, क्योंकि वहाँ पे आप अपार्टमेंट्स में आपको क्या एक्स्ट्रा फैसिलिटी मिलती है। एक तो अगर आपके साथ बड़ी फैमिली है, सपोज यू आर अ फैमिली ऑफ टू, तो आप एक ही अच्छा बड़ा अपार्टमेंट ले सकते हो, आपको 2 होटल रूम बुक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सेकेंडली आपको वहाँ पे किचन मिल जाती है, उसमें आप अपने हिसाब से थोड़ा चाय पानी या फिर इनफैक्ट कुछ खाना भी बना सकते हो वहाँ पे। आपको अपार्टमेंट्स में राइस कुकर बेसिक एमिनिटी सारे आपको कुकवेयर मिल जाता है जिसमें कि आप अपने बेसिक कुक कर सकते हो। जब हम ट्रैवल करते थे सो व्हाट वी यूज्ड टू डू, हम थोड़े राइस ले जाते थे
एक अनियन या आलू डाल के, ताकि हम थोड़ा सा वहाँ पे नमकीन चावल वगैरह बना लिए किसी टाइम, क्योंकि फैमिली मार्ट और 7-Eleven वहाँ पे बहुत इजीली अवेलेबल रहती थी, तो वहाँ से हम कर्ड वगैरह ले आते थे या फिर मिल्क ले आए, ब्रेड ले आए, ब्रेड बटर, तो एटलीस्ट हम इतना अपना बेसिक ब्रेकफास्ट करके निकल सकते हैं कहीं पर भी। अगर आप होटल में हो तो आपको बार बार ही किसी ना किसी स्टोर पर जाना पड़ेगा या फिर कहीं बाहर जाके ही खाना खाना पड़ेगा। सो अगर आप फैमिली के साथ हो सो गो फॉर अपार्टमेंट्स, अगर आप इंडिविजुअल ट्रेवल कर रहे हो सो गो फॉर कैप्सूल्स। कैप्सूल्स में भी आपको किचन मिलती हैं, वहाँ पे भी किचन होती है जहाँ पे सारा आपको कुकवेयर मिलेगा, बट वही है कि वो शेयर्ड होगा तो आपको सबके साथ वहाँ पे शेयर करके अपना खाना बनाना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट, अब हमने एकोमोडेशन के बारे में सोच लिया, हमने खाने के बारे में भी इनफैक्ट थोड़ी बात कर ली, और अगर आपको मंचिंग के लिए कुछ ऑप्शंस चाहिए वो हमने पहले वीडियो में डिस्कस किया ही था कि हम कन्वीनियंस स्टोर जापान में इतने सारे हैं, 7-Eleven, फैमिली मार्ट, लॉसन, आप वहाँ से अपना मंचिंग का बहुत ही रिजनेबल प्राइस पे स्नैक्स ले सकते हो, नहीं तो आप डाइसो भी विजिट कर सकते हो, उस पर भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है कि डाइसो 100 yen स्टोर्स हैं जापान के, जहाँ पे आपको मोस्टली सारी चीज़ें 100 yen में मिलेंगी और बहुत 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 अच्छी चीज़ें आपको 250 में मिलती हैं। सो नाउ मूविंग टू आर नेक्स्ट पॉइंट विच आर हार्ड ऑफ स्टोर। सो सपोज आप लोग वहाँ पे 15-20 days के लिए और आपको कुछ एक ऐसी मेजर चीज़ चाहिए, सपोज जो आपको लग रहा है कि ना ही ये मुझे कभी फ्यूचर में यूज़ होगी, जस्ट थोड़े टाइम के लिए आपको चाहिए, तो आप इन स्टोर्स पे विजिट कर सकते हो। लिटरली ट्रस्ट मी गाइस, वहाँ पे प्राइस बहुत ही रीजनेबल रहते हैं क्योंकि वो सारी सेकेंड हैंड चीज़ें रहती हैं, बट अगर आप उनको देखोगे या फील करोगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि वो बहुत ही चीप या सेकेंड हैंड आइटम्स हैं। यू कैन रियली गो देयर, मतलब वहाँ पे मुझे जो चीज़ सबसे लगी कि मे बी आप लोगों को बेनिफिट रहेगी कि अगर आप बच्चे के साथ ट्रैवलिंग कर रहे हो सब, तो हम स्ट्रॉलर या बच्चे की ऐसी चीज़ें नहीं कैरी करते हैं जब हम ट्रैवलिंग पे निकले हैं, तो वहाँ पे आपको बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे मिल जाएगी जापान में, क्योंकि आपको मोस्टली वॉक करके ही चलना है, घूमना पड़ता है ज़्यादा, वहाँ पे ऐसा नहीं है ना कि हमारे पास अपनी कार है और सीधा हम डेस्टिनेशन पे अपनी गाड़ी में उतरने वाले हैं, तो बच्चों के साथ ज़्यादा चलना पड़ता है, तो वहाँ पे आप जाके स्ट्रॉलर्स ले सकते हो, कुछ ऐसी चीज़ें ले सकते हो जो आपको लगता है कि बाद में हम यहीं पे ही डिस्पोज कर जाएंगे, उस पर हमें पैसे नहीं खर्चने पड़ेंगे, मतलब यू कैन गो एट दीज स्टोर्स एंड यू कैन रियली फाइंड वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स। और इस पर भी मैंने एक वीडियो, दो वीडियोज बनाई हुई है, मैं ऊपर उनका लिंक अटैच कर दूंगी ताकि आप देख सको कि इन स्टोर्स में क्या क्या चीज़ें आप लोगों को मिल जाती हैं बहुत ज़्यादा रीजनेबल प्राइस पे, ताकि आप अपनी पैकिंग करते वक्त चीज़ें सोच सको कि ये चीज़ें मैं अवॉइड कर सकता हूँ, ये मैं वहाँ जाके परचेज कर लूँगा या कर लूँगी जब मैं जापान जाऊँगा। सो ये चीज़ें ताकि आप अवॉइड कर सको कैरी करना। मूविंग टू अ लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट विच आर द सोवीनियर्स। जब हम अपनी कंट्री में वापस जाते हैं तो सब लोग हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हम उनके लिए थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ तो लेके ही आए। सो अगर आपको सोवीनियर्स परचेज करने हैं ना, सो ट्रस्ट मी गाइस, डाइसो इज द बेस्टेस्ट ऑप्शन। डाइसो या 100 yen स्टोर्स है, वहाँ पे आपको 100 yen में, विच इज़ अराउंड 70 rupees इन इंडिया, आपको बहुत अच्छी अच्छी सोवीनियर्स की बहुत प्यारी प्यारी ऑप्शन मिल जाएंगी। डू चेक आउट ऑल दीज आइटम, आपको बहुत ही बजट में बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें वहाँ पे मिल जाएंगी, और आपको वहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें पसंद आने वाली हैं। डाइसो आर रियली, मतलब इतनी अच्छी चीज़ें मिलती है ना डाइसो में, बहुत ही अच्छी क्वालिटी की और बहुत ज़्यादा चीप ऑप्शंस आपको वहाँ पे डाइसो में मिलेंगे, मतलब आपका मन करेगा कि मैं ये भी ले लूँ ये भी ले लूँ, डाइसो बहुत बहुत अच्छी ऑप्शन। सो प्लीज़ अगर आपको वहाँ पे, सो अगर आपको बहुत ही बजट में सोवीनियर्स परचेज करने हैं, सो प्लीज़ सो यू कैन चेक आउट एट डाइसो। सो दीज आर माई 5 मेजर पॉइंट्स विच आई थिंक कि अगर आप जापान में विजिट कर रहे हो आप किस किस तरीके से अपनी पैसों को मैनेज, अपने एक्सपेंसेस को मैनेज कर सकते हो। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आपको लगा कि इसमें से कोई भी पॉइंट आपके काम आएगा या आया काम वीडियो देखने के बाद, सो प्लीज़ डू प्रेस द बेल आइकन एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अंटिल माय नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।